गेम ऑफ थ्रोन सीजन 7 एपिसोड 5 के अखंड चूतिया पे में आपका स्वागत है। एपिसोड 4 के एंड में जेमी और ब्रॉन पानी में गिरते हैं, बट समहाउ ब्रॉन और जेमी बच जाते हैं। सो डैनी ने ऐसा देखा था कि कोई बंदा उसके तरफ बड़ा सा भाला लेके उसे मारने आ रहा था और उसे किसी ने बचा लिया और दोनों पानी में गिर गए। अब अगर डैनी ने ऐसा देखा था तो उसने ड्रोगोन पर बैठकर पानी में गिरे हुए दोनों बंदों को ढूंढ के निकालना चाहिए था और उन्हें पकड़ना चाहिए था, क्योंकि आफ्टर ऑल जेमी ने उसके ऊपर जानलेवा हमला किया था। बट डैनी उन दोनों को ढूंढ ही नहीं पाई, क्योंकि आई गेस जेमी और ब्रॉन उस तालाब में अंडर वाटर स्विमिंग करके कुछ 6-7 किलोमीटर दूर तालाब में से बाहर निकले। जेमी और ब्रॉन ने फुल हेवी आर्मर में अंडर वाटर स्विमिंग की है। वाह क्या बात है। और उसी में जेमी स्विमिंग कैसे करता है क्या पता। इस भाई जेमी का एक हाथ ही नहीं है, जेमी का राइट हैंड मतलब कुछ 2.5 किलो सोने से बना हुआ हाथ है। सो वो कैसे तैरता है क्या पता, और ये दोनों डैनी के चंगुल से कैसे बचे क्या पता। ऐसे लॉजिकल क्वेश्चंस के बारे में हमें सोचना नहीं है। सो आगे बढ़ते हैं। सो अब डैनी ने ये बड़ा बैटल जीत लिया है और वो स्पीच देती है। एंड ऑल आई वांट टू डिस्ट्रॉय इज द व्हील दैट इज रोल्ड ओवर रिच एंड पुअर to the benefit of no one but the Cersei Lannisters of the world. वो कहती है मैं इस दुनिया की सर्सी लैनिस्टर्स की तरह नहीं हूँ। What? अबे तू exactly सर्सी की तरह है। तू भी एक प्रिंसेस है, इसलिए तू चाहती है कि तेरी बात सब सुने। तुझ में और सर्सी में कोई फर्क नहीं है। And all I want to destroy is the wheel that is rolled over rich and poor. ये व्हील वाली बकचोदी डैनी हमेशा क्यों करती है? उसका तो मुझे लॉजिक ही नहीं समझा। I'm not going to stop the wheel. I'm going to break the wheel. देखा अगेन सेम शीट। आई एम गोइंग टू ब्रेक द व्हील। मैं सबसे डिफरेंट हूँ। अबे मंदबुद्धि औरत, तू कुछ व्हील वगैरह ब्रेक नहीं कर रही है, तू एक्चुअली उसी व्हील का पार्ट है। लैनिस्टर्स, बराथियंस, स्टार्क्स और तू मतलब टारगेरियंस। अब ब्रेक करेगी मतलब तू करेगी क्या? डैनी को हमेशा से आयरन थ्रोन चाहिए था क्योंकि वो टारगेरियन है। सो यू आर द पार्ट ऑफ द व्हील। ये डैनी की व्हील वाली बातें मतलब एकदम टोटल हिपोक्रेसी थी। सो डैनी ने जो जेमी और लैनिस्टर आर्मी पे हमला किया था वो पूरा बैटल किंग्स लैंडिंग से कुछ ही किलोमीटर्स के दूरी पे हुआ था। तो मेरा सवाल यहाँ पे यही है कि क्यों ना थोड़ा सा आगे बढ़ के सीधा किंग्स लैंडिंग पे भी अटैक किया जाए। डैनी के अनसेलिड आर्मी ने लैनिस्टर्स के कई सारे सोल्जर्स कैसरली रॉक पर मारे हैं। फिर कई सारे लैनिस्टर सोल्जर्स को इस बैटल में जिंदा जलाया गया। सो किंग्स लैंडिंग में आखिर कितने सोल्जर्स बाकी रहेंगे? डैनी करना सीधा किंग्स लैंडिंग पे अटैक, क्यों टाइम ले रही है? वॉर तो अब एक तरीके से शुरू ही हो गया है। सो इस शुरू हुए वॉर को आगे बढ़ा के खत्म कर डालो सीधा। वेट क्यों करना है? जाओ सीधा किंग्स लैंडिंग और सर्सी के बड़े रेड की बिल्डिंग को जला डालो और वॉर इज ओवर। बट नहीं, इतना आसानी से वॉर कैसे खत्म होगा? डैनी किंग्स लैंडिंग से यही कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पे थी, बट फिर वो वहां से किंग्स लैंडिंग पे अटैक करने के अलावा अपनी पूरी आर्मी लेके वापस ड्रैगनस्टोन जाती है, क्योंकि उसे जॉन स्नो के साथ अब मजे करने हैं। चलो कोई नहीं, अब हम चलते हैं विंटरफेल की नौटंकी देखने। यहाँ पर ब्रैन लगा है अपने चूतिया पे में। वो कुछ रेवंस में वॉक करके घुसता है और उनको विंटरफेल से सीधा वॉल के आगे तक उड़ा के लेके जाता है। अबे विंटरफेल और द वॉल के बीच में कुछ 1200 किलोमीटर का डिस्टेंस है। मतलब ये चोमू ब्रैन बिना कुछ खाए, बिना टट्टी किए ऐसे 30 घंटे वॉक करके बैठा था क्या? कुछ समझ में नहीं आ रहा ये क्या लॉजिक है। फिर ब्रैन यहाँ पर बियॉन्ड द वॉल एक वाइट्स की पूरी आर्मी देखता है, इसलिए वो एक रेवन के जरिए सिटाडेल में मैसेज भेजता है कि उसने एक आर्मी ऑफ द डेड देखी है। इस मैसेज के आने के बावजूद यहाँ पे सभी मेस्टर्स अभी भी डिस्कस कर रहे हैं कि ये खतरा सच है या झूठ है। A crippled boy claims to have seen dead men on the march beyond the wall. Yes, it is a bit much. इन मास्टर्स का चूतियापा भी मुझे समझ में नहीं आता। इसके पहले मास्टर एमन और लॉर्ड कमांडर मोरमोंड ने भी फर्स्ट सीजन से रेवंस भेजे थे कि कुछ अनहोनी चीजें हो रही है, और उन्होंने सिटाडेल को इतल्ला किया था कि वहां पे व्हाइट वॉकर्स है,
वाइट्स होते हैं और कुछ बुरी चीजें बियॉन्ड द वॉल है। इवन सैमुअल टार्ली ने भी इस ज़ॉम्बी आर्मी के बारे में बताया था, बट ये मेस्टर्स अभी भी विश्वास ही नहीं रखते हैं। लाइक व्हाट, अबे इतने सारे लोग अगर किसी चीज को कह रहे हैं तो सच हो सकती है यार, इतना भी मत भोला बनो। फिर सैमुअल यहाँ पे एक अचानक से एकदम ही इलॉजिकल डायलॉग मारता है, वो सुन के तो मेरा दिमाग ही सनक गया था। Somehow, a crippled boy survived for years beyond the wall when no one else could. Not the Night's Watch, not the Wildlings, no one. So apparently Bran did which no one else could. No one else could? Like what the fuck man? Abe Jon Snow, Ed, Gilly, Meera aur kuch hazaron wildlings wall ke dusre side mein bachkar wapas aaye hain. Ye Samwell Tarly khud bhi wall ke dusre side se yahan pe is side mein wapas zinda laut ke aaya. But nahi, yahan par phir bhi use aisa kehna hai ki Bran Stark eklota aisa insaan hai jo sahi salamat wall ke इस साइड में वापस आया है। How stupid is this dialogue? I mean, इस शो में अभी कुछ भी हो रहा है और कैरेक्टर्स कुछ भी बोल रहे हैं। ड्रैगनस्टोन के बोर्डरूम मीटिंग में इस सीजन कई सारे नॉनसेंसिकल डिसीजंस लिए गए थे, कई सारे सीन्स अखंड चूतिया पा रहे थे, बट इस वाले ड्रैगनस्टोन के बोर्ड रूम मीटिंग में गेम ऑफ थ्रोन्स के हिस्ट्री का सबसे बड़ा चूतियापा होने वाला है। इस मीटिंग के पहले डैनी के काउंसिल के पास ब्रैन का एक लेटर आता है, जिसमें ब्रैन ने उन्हें बोला था कि नाइट्स किंग की आर्मी अब साउथ आने लगी है, सो अब उनके खिलाफ लड़ने के लिए जॉन को डैनी की हेल्प लगेगी। बट डैनी की बात भी यहाँ पर सही है। Unless you'll join us and give the country to Cersei. As soon as I march away, she marches in. अगर डैनी जॉन को हेल्प करेगी तो लैनिस्टर आर्मी को प्रिपेयर होने का मौका मिलेगा और सर्सी फिर वॉर जीत जाएगी, ये बात वो अब सोच रही है। अबे इसीलिए तो मैं कह रहा था कि जब तू वेस्टरोस में पहले पहुंची थी, कुछ किंग्स लैंडिंग से 100 किलोमीटर के दूरी पे थी, तभी तूने किंग्स लैंडिंग को तबाह करके आयरन थ्रोन क्यों नहीं जीत लिया? ऐसे वापस स्टूपिडली ड्रैगन स्टोन क्यों जाना था तुझे? बट एनीवेज, अब डैनी जॉन को हेल्प नहीं कर सकती क्योंकि सर्सी का खतरा मंडरा रहा है, सो वो चाहते हैं कि सर्सी कुछ टाइम के लिए सीज फायर कर दे। बट अगर वो ऐसा करना चाहते हैं तो सर्सी को भी बिलीव होना चाहिए कि ऐसी आर्मी ऑफ द डेड एक्चुअली मौजूद है, तो इसीलिए टीरियन यहाँ पे बोलता है, सर्सी थिंक्स द आर्मी ऑफ द डेड इज नथिंग बट अ स्टोरी मेड अप बाय वेट नर्सेस टू फ्राइटन चिल्ड्रन। व्हाट इफ वी प्रूव हर रॉन्ग? आई डोंट थिंक शी विल कम सी द डेड एट माय इनविटेशन, सो ब्रिंग द डेड टू हर। वाह, क्या प्लान है, ताली बजाओ रे वापस सब, ताली बजाओ। So bring the dead to her, dumb cunt. यहाँ पे ये चोमू टीरियन लैनिस्टर बोलता है, लेट्स गो बियॉन्ड द वॉल, किडनैप अ ज़ॉम्बी वाइट एंड शो इट टू सर्सी। We don't have to bring the whole army, only one soldier. Bring one of these things down to King's Landing and show her the truth. Like what? How stupid is this plan? ये सब क्यों करना है भाई? ये किसी zombie white को kidnap करके सरसी के पास लेके जाने का plan एकदम बड़ा अखंड चूतिया पा रहा था। बट इस प्लान को सब मानते हैं और एग्जैक्टली यही पर, आई मीन एग्जैक्टली इस मोमेंट पर ये शो अपने टोटल बर्बादी के तरफ निकल पड़ा। यही पर टीरियन कहता है कि वो किंग्स लैंडिंग जाके जेमी से मिलेगा और उसे बताएगा कि हम लोग एक ज़ॉम्बी को उठा के सर्सी को दिखाएंगे। अबे हाउ स्टूपिड इज ऑल दिस? ओ माय गॉड, आई कांट बिलीव दिस प्लॉट एक्चुअली हैपेंड, क्योंकि इसके बाद जो हुआ वो एक अखंड चूतियापे के भी ऊपर की चीजें थी, क्योंकि अब तो सीजन 7 का एब्सोल्यूट नॉनसेंस शुरू होने वाला है। इसके बाद में विंटरफेल में ही आर्या और सांसा के बीच में कुछ अनबन शुरू होती है। आर्या और सांसा एक दूसरे से अब गुस्से में बात करने लगते हैं, जैसे कि अब उनमें कुछ अचानक से राइवल शुरू हो गई हो। सीजन 7 का ये जो छोटा सा सबप्लॉट था वो पूरे गेम ऑफ थ्रोन्स के इतिहास का वर्स्ट एवर सबप्लॉट रहा। ये दोनों फालतू में एक दूसरे से झगड़ने लगते हैं, जबकि ये सब पूरा फेक है। हमें कभी भी ऐसा नहीं लगता कि सांसा और आर्या स्टार्स के साथ में इतना ट्रेजेडी होने के बाद में झगड़ने लगेंगे। हमें आगे पता चलता है कि सांसा और आर्या की ये लड़ाई टोटली फेक है। सो कोई जब तुम्हें देख नहीं रहा, तब तुम फालतू में क्यों झगड़ रहे हो? And if John doesn't come back, you'll need their support, so you can work together to give you what you really want.
How can you even think such a horrible thing? फिर टीरियन और डावोस जेमी को मिलने के लिए किंग्स लैंडिंग पहुंच भी गए। डावोस और टीरियन किसी सीक्रेट जगह आते हैं तो वहां पे पहले से ही जेमी और ब्रॉन रेडी है। अरे भाई ये यहाँ पे कैसे आ गए? जेमी को कैसे पता कि वो यहाँ पे आने वाले हैं? क्या कोई इन्होंने पहले रेवन भेजा था क्या? कुछ समझ में नहीं आ रहा यहाँ पे क्या हो रहा है। बट एनीवे जेमी और टीरियन की यहाँ पे मीटिंग होती है। फिर इस मीटिंग के बाद में जेमी सर्सी के यहाँ पे आता है और वो सर्सी को इस मीटिंग के बारे में बताता है। बट सर्सी को पहले से टीरियन और जेमी के मीटिंग के बारे में पता था। Do you think anything of importance happens in this city without me knowing? You let it happen. Why? अबे सर्सी को अगर पता था कि टीरियन किंग्स लैंडिंग में है तो वो टीरियन को किडनैप करके हॉस्टेज क्यों नहीं रख? सर्सी हमेशा ही टीरियन से नफरत करती आई है क्योंकि वो मानती है कि टीरियन ने जॉफरी को मारा और टीरियन ने उसके पापा टाइविन लैनिस्टर को भी मार दिया। बट वो यहाँ पे टीरियन को कुछ नहीं करती जबकि वो यहाँ पे उसे पकड़ के उसे टॉर्चर कर सकती थी। क्यूट कपल सैम और गिली के कुछ सीन्स है और यहाँ पे गिली बोलती है, This High Septon Maynard, he recorded everything. Maynard says here that he issued an annulment for Prince Ragger and remarried him to someone else at the same time in a secret ceremony in Dawn. So, इस शो का सबसे बड़ा सीक्रेट हमें गिली से पता चलता है। किसी मास्टर मेनार्ड ने प्रिंस रेगार की किसी लड़की से शादी कर दी थी, ये डॉक्यूमेंट उसने करके रखा है। अब इस हाई सेप्टन मेनार्ड ने डॉक्यूमेंट बनाते हुए दुल्हन का नाम सीक्रेट रखा है। बट इतने बड़े सीक्रेट शादी को उसने बराबर डॉक्यूमेंट करके रखा है। वाह! और इसी में ये इतना बड़ा टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट ऐसे ही लाइब्रेरी में पड़ा हुआ है, वो किसी के भी हाथ में लग सकता है। बट ऑब्वियसली वो बराबर से सैम के हाथ में ही लगता है। इस पूरे सिटाडेल में जितने भी छोटे मोटे सीक्रेट्स हैं, वो सभी डॉक्यूमेंट सैम को कुछ 2-3 महीने में ही मिल गए हैं। सो अब तक सैमुअल को सर जोरा के बीमारी का हल मिला है। ड्रैगनस्टोन पर मौजूद ड्रैगन ग्रास के माउंटेन्स के बारे में पता चला है और अब उसे प्रिंस रेगार के सीक्रेट शादी के बारे में भी पता चला है। इस 5th एपिसोड के एंड में विंटरफेल से अपना सुसाइड स्क्वाड ज़ॉम्बी पकड़ने के लिए निकलते हैं और उस चीज का अखंड चूतियापा हम जानेंगे अगले एपिसोड में। अंटिल देन बाय एंड टेक केयर।